वेलकम बैक। लास्ट लेसन में हमने अपनी प्रोफाइल के चेंजेस कर दिए थे। मैं इमेज नहीं लग रही थी क्योंकि इमेज साइज का इशू था, मैंने न्यू इमेज ऐड कर दी है, ये रही। अब यहाँ पे हम जाएंगे फाइवर में और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर पे। हम ये पहले भी कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। देखिए कंटिन्यू कंटिन्यू, और ये देख लो, प्रोवाइड एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, काइंडली डोंट ट्राई टू प्रोवाइड योर ओन प्रोफाइल नेम और आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। क्योंकि अगर आप मान लो आपने लड़की का नाम रखा है और इमेज भी लगा दी, कई बार होता है फाइबर आपको अकाउंट वेरीफाई के लिए बोल देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जब मैं वेरीफाई कर रहा था तो डिटेल्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, जैसे इमेज का एक तो मैंने लेट किया पहली बार, दूसरी बार इमेज जो थी वो मैंने अपनी दी थी जो अकाउंट डिटेल्स, वो सेट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा अकाउंट कर दिया था रिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से एक दिन तक मेरा अकाउंट पूरा डाउन रहा था, मेरे सारे गिग्स गायब हो गए थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल बनाइए और आपको अपनी डिटेल्स रखनी होगी अपने पास, जैसे कि आपका डीएल डीएल चल जाता है, आधार कार्ड हो, कोई भी जो भी गवर्नमेंट आईडी हो, एक आईडी आपके नाम की हो तो ही बनाइएगा अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट आईडी नहीं है तो आप अपनी मदर या फादर का भी यूज कर सकते हो, बट उस केस में उनका नाम लेना रखना। ठीक है, ओपन डुप्लीकेट अकाउंट्स, एक साथ बहुत सारे अकाउंट नहीं बना सकते हो, एक ही जैसे गिग के कि चार पांच अकाउंट्स बना दिए वो चलेगा नहीं। अगर वो चलाना है तो उसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। बाकी के कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे अच्छे से बात करनी है, रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन पे आउटसाइड फाइबर की। ये तो इसको आप मार्क माई वर्ड्स, आउटसाइड फाइबर पेमेंट लेनी ही नहीं है, उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। मेरे अकाउंट पे इसी चीज़ के लिए वार्निंग आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम नहीं करने हैं, बट पहले ही बता देता हूँ कि ये सोचना भी नहीं है कि ऐसे करूँगा। ऑल्दो मैंने बहुत 5 से 10 हज़ार डॉलर तक मैंने आउटसाइड फाइबर भी कमाए हैं, मगर वो कितना टेंशन वाला काम होता है और रिस्क कितना होता है आप नहीं समझोगे। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छे रन नंबर जिस पे होते हैं, उस पे ये काम तो करना ही नहीं है, भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरा फुल नेम मांग रहा है, ऋषभ शर्मा। पिक्चर अपने आप इसने उठा ली जो मैंने अपलोड करी थी, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, ऐड 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 कर दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग ले लीजिए, डोमेन लीड जनरेशन इधर, चलिए डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। लीड जनरेशन, ठीक है, स्किल्स सब आ गया, इसे सब ऑटोमेटिकली उठा लिया। आपकी वेबसाइट है तो वो डाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ईयर डाल देना, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग कब से कर रहे हो? ठीक है, आप अपनी वेबसाइट डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी नॉर्मल वेबसाइट डाल दो, कोई चेक नहीं करता है। ओके, चूज एनी टू ऑफ फाइव, टू ऑफ फाइव, ये देखो कंपटीशन डेट है ना, इसको हमें ऊपर तक पहुंचाना है। यहाँ पे अपने आप गूगल और फेसबुक अपना कनेक्ट करिए, देखिए बहुत ही मुश्किल से पहुँचता है ऊपर तक, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करनी रहेंगी। चलिए मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या करना है। डिलीवरी नाम,
हो गया, वेरीफाई हो गया, 30 से 35 हो गया। अब पांच पांच पॉइंट्स है जो हर एक के लिए है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल वेरीफाई करा रखा है, मैंने पहले कर लिया था, फोन नंबर डाल देंगे, फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा, रीजन बीइंग मेरे पास एक ही नंबर है। ओके, अब देखो कह रहे हैं कि यू नीड एटलीस्ट 65% स्कोर इन ऑर्डर टू मेक यू गेट। अब यहाँ हो गया काम खराब, अब मेरे को यहाँ पे फोन नंबर भी डालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस प्रोफाइल में मुझे फेसबुक आईडी भी बनानी पड़ेगी और मुझे ट्विटर आईडी भी बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास है नहीं, और एक फ़ोन नंबर जो है मेरे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है, मैं वो भी डाल दूंगा ताकि कोई इशू ना हो। सो दिस इज इट, आप अपनी प्रोफाइल अब बनानी शुरू करो। अब अगर आपने रिसर्च कर ली है कि मुझे क्या करना है, आप रिसर्च करनी शुरू कर दी है, तो रिसर्च करके अपनी प्रोफाइल बनाओ और ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है बिकम अ सेलर वाली वो क्लिक कर लो और शुरू करो आप काम। और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा कि आगे क्या करना है, गिग कैसे बनाना है, गिग के टाइटल्स क्या रखने हैं, जो भी है। राइट, मीनवाइल मैं इस प्रोफाइल को क्रिएट करता हूँ। मेरे को ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही कंप्यूटर से दूसरी प्रोफाइल बना रहा हूँ जो कि रिस्की हो सकती है मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल के लिए। सो मैं वीपीएन वगैरह यूज़ करके कुछ करता हूँ। आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय।